हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवद गीता के इस श्लोक में हमें ये जानने को मिलता है कि भगवान और उनके भक्तों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो दिव्य होता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इससे पहले भी जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शंख बजाया था और बता रहे कि भीष्म पितामह ने जो है वो शेर की गर्जना के समान शंख बजाया, बट फिर भी उनके शंख को दिव्य नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक कार्य दिखने में समान एक ही जैसा हो, लेकिन फिर भी यदि वो भगवान के द्वारा संपन्न किया गया है या भगवान के प्रमाणिक भगवान के अनन्य भक्तों के द्वारा संपन्न किया गया हो, जो उसका प्रभाव होता है वो भिन्न होता है, उसका बुरा प्रभाव नहीं होता है। हम सभी जानते हैं इस संसार में चोरी करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, कोई भी चोरी पसंद नहीं करता। अगर आप किसी के घर जाएंगे और उसके घर का कुछ सामान चुरा कर लाएंगे, वो व्यक्ति खुश होगा कि आपसे नहीं खुश होगा? लेकिन भगवान पूरे वृंदावन में चोरी करते थे और भगवान के द्वारा जो की गई चोरी की जो कार्यकलाप हैं हम जो है वो आज भी श्रीमद् भागवत की कथाओं में पढ़ते हैं, उसको सुनकर लोग आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। यही नहीं, कुछ इसके और भी हम उदाहरण समाज में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे समाज में संगीत जो है कोई नई चीज़ नहीं है। संगीत जो है वो हजारों साल पहले भी जो है संगीत सभी लोग गायन करते थे, संगीत सुनते थे, कई प्रकार का संगीत कीर्तन नाटक सुनते थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद वे जब अमेरिका गए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, तो ये जो संगीत है जो कि भगवान के नाम के ऊपर आधारित है, इसने कई करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो जीवन की नई दिशा दी। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में लाखों करोड़ों लोग जुड़ के और अपने जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और इस कीर्तन से वो अभूतपूर्व आनंद प्राप्त करते हैं। यही नहीं, इस कीर्तन की एक और खास बात यही है कि सांसारिक गाने आप चाहे कितना भी सुन लें, लेकिन जो है वो कुछ एक महीने एक हफ्ते या दो दिन में भी आप बोर हो सकते हैं, लेकिन ये कीर्तन एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आप पूरे जीवन भी करते रहेंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे। इसका एक और उदाहरण है कि हमारे समाज में न जाने कितने ही प्रकार के साहित्य जो है वो अभी तक वितरित हो चुके हैं, और लेकिन उसमें बहुत ही महान तथाकथित महान लेखकों ने कई प्रकार के आइडियोलॉजी को जो है वो प्रस्तुत किया है, बट उससे समाज में या किसी के व्यक्तिगत जीवन में शायद ही कोई बदलाव या सुधार हम देखते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद ने लिखा, जो कि भगवान के द्वारा बताई गई वाणी है, भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है, ये जो है ये पूरे संसार में प्रचलित है और आज भी लोग इससे अपने जीवन की जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपने कार्य अपने जीवन में अपने जो भी कार्य करते हैं अगर उसमें हम भगवान को केंद्र में डाल दें और भगवान के जो अनन्य भक्त हैं उनको केंद्र में डाल दें, तो हमारा भी कार्य क्या होगा? दिव्य होगा, अर्थात उसका प्रभाव कभी बुरा नहीं होगा बल्कि अच्छा ही होगा। हरे कृष्णा।